लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने गए प्रशासन के दस्ते के साथ बदसलूकी और हंगामा करने वाले सीतापुर से समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन सभी को कल हुए हंगामे के बाद गिरफ्तार किया गया। कल विधायक रामपाल यादव के होटल में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए एलडीए को दस्ते के साथ विधायक और उनके समर्थकों ने मारपीट की थी। इन लोगों के खिलाफ सीएलए एक्ट, एनडी आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए जितेंद्र के पास से पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल और 32 बोर के 4 कारतूस बरामद किए हैं। पुष्पेंद्र के पास भी 1 लाइसेंसी पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रशासन ने लखनऊ के साथ ही सीतापुर में भी विधायक के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। तो गिरफ्तारी हो चुकी है विधायक समेत 9 लोगों की और उसके बाद आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच अमिता पारुल तमाम अपडेट देने के लिए जुड़ चुकी हैं। अमिता, ये बताइए, समाजवादी पार्टी कोई प्रतिक्रिया आई है? विधायक जिनको लगातार नसीहत तो दी जाती है लेकिन गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आते हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए अभी समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल से जुड़े होने के बावजूद ये कार्रवाई की गई है रामपाल यादव के खिलाफ। और जिस तरह से अपनी रसूख का वो बल दिखाकर उन्होंने रोकने की कोशिश की, जो एलडीए के अफसर अधिकारी तमाम और स्थानीय पुलिस के लोग मौजूद थे उनके सामने, पुलिस पर भी पिस्टल तान दी गई और एलडीए के एक सेक्रेटरी हैं शिशिर वर्मा, उनके ऊपर भी जितेंद्र, जो कि रामपाल यादव के समधी का बेटा बताया जाता है, उसने भी अपनी तरफ से पिस्टल तानी। तमाम तरह की कोशिशें इन लोगों की तरफ से की गई कि लखनऊ में जो अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई जा रही है उसको ढहाने से रोका जाए। लेकिन कल दोपहर में जब कार्रवाई शुरू हुई श्वेता, तो देर रात तक पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। और ऐसे ही सीतापुर में जो इनका होटल बना हुआ है उसके के खिलाफ भी जो स्थानीय प्रशासन था वहां पर जुटा और ये कार्रवाई कल वहां पर भी की गई है। तो फिलहाल विधायक समेत 9 लोग गिरफ्तार हैं, आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि श्वेता, बार बार विधायक एलडीए के अधिकारियों से इस बात को लेकर लड़ रहे थे और कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोर्ट का स्टे है, जबकि सच्चाई ये है कि स्टे नहीं था किसी भी तरह का। जब कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि इनका पक्ष सुना जाए, लेकिन एलडीए की जो लीगल सेल होती है उसने ये पाया कि ये निर्माण अवैध है और उसके बाद उसको ढहाने की कार्रवाई की गई। तो फिलहाल कोर्ट में पेशी का इंतजार है विधायक और उनके जो साथी कल पकड़े गए हैं उनका। चलिए अमिता, अपडेट लेंगे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।